तो गाइस ये ना कभी कभी होता है कि बहुत ही कम ऐसे चमत्कारी बंदे होते हैं कि वो स्ट्रीम पाए और कुछ यूज करे, अपना नाम भी गंदा करे। इवन बहुत बार वो बंदे टेस्टिंग दे चुके हैं हमारी स्ट्रीम पे, बट उसके बाद भी ऐसी हरकत। ऊपर से भाई मैच के अंदर बंदा इतना गंदा मारता है, आप लोग देखोगे तो भाई पागल हो सकते हो। अच्छा, और सेकंड थिंग कि उसके बाद में बंदा फोन चेक नहीं कराता है अपना, 10 बहाने बताता है कि भाई डिस्कॉर्ड डाउनलोड नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट हम लोगों को लग ही रहा था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। नहीं 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 के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। तो आज यहाँ पे लाइव पे एक बंदा बैन हुआ है, हम लोगों ने कैसे उसको पकड़ा है वो भी पता चलेगा, बट पूरा वीडियो देख लेना क्योंकि बहुत सारे चमत्कारी बच्चे बहुत ये बोलेंगे कि भाई ये बंदे ने तो तुम्हारी गर्ल के प्लेयर को ऐसे मार दिया वैसे मार दिया, तो भाई तुम तो इसलिए जल रहे हो, ये कर रहे हो। बट मैं प्रॉपर प्रूफ दूंगा, वीडियो पूरा देख लेना। बाकी तुम लोग कमेंट में उन बंदों का ना इलाज कर देना जो बंदे इस तरीके से बोले। ओके, तो एक्चुअली सीन क्या हुआ है कि मैं ले रहा था अपनी गिल्ड के प्लेयर का पीसी प्लेयर्स का डू ऑर डाई टेस्ट। बहुत सारे ऐसे बंदे हमारी गिल्ड में जिनका कभी यहाँ पे टेस्ट हुआ नहीं है, मतलब आप लोगों को दिखते नहीं है। या, या, या। जैसे एसके गोड हो गया, मैच खेलते हुए नहीं दिखते आप लोगों को काफी सारे बंदे। तो मैं यहाँ पे टेस्ट ले रहा था एनजी डेंजर का, और ये बंदे ने भाई 2 साल पहले ना बहुत जबरदस्त ये खेलता था, तो इसका 1v4 डू ऑर डाई टेस्ट था। और अपोनेंट में फिर जो बंदा आता है वो चमत्कारी चीजें दिखाता है, सारी चीजें आप लोग वीडियो में ही देख लो और पूरा वीडियो जरूर देख लो। आइए चलो, आइए। हेलो, क्या हाल चाल भाई तुम्हारे? सब सही है भाई। लास्ट टाइम भी हम डू ऑर डाई में मिले थे, आज फिर से हम लोग डू ऑर डाई में मिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो डेंजर भाई ये बताइए मुझे कि आप काफी मतलब देखा जाए तो पहले जब फेसबुक पे लाइव करते थे उस टाइम गिल्ड में आपने एंट्री मारी थी, राइट? या या या। हाँ। बीच में आप गिल्ड से हम लोगों ने किक भी कर दिए थे। अरे, क्योंकि तुम ना बिल्कुल ऑफलाइन हो गए थे, किसी के पास कॉन्टेक्ट नंबर भी नहीं था। तो ब्रदर आपका क्या सीन है, मतलब अभी क्या करना चाहते हो तुम? एज अ यूट्यूब पे कुछ करना चाहते हो, या फिर गिल्ड में रहने का ही सपना है, या फिर गिल्ड में रह के कॉम्पिटिटिव भी खेलना चाहते हो? अरे वो मतलब कि जैसे हो पाएगा वैसे ही कर सकता हूं, मतलब कि यूट्यूब में भी हो सकता है तो वो भी यूट्यूब में भी कर लेंगे जी। वैसे आपका कुछ तो एम होगा ना? हाँ, मेरा यूट्यूब चैनल भी है। ओके, तो आप उस पर रेगुलर हो या फिर नहीं हो, बताओ यूट्यूब चैनल बताओ। पिछली बार जो तुम्हारा टेस्ट हुआ था वो 1v1 का हुआ था और तुमने जीत लिया था, शायद एलिवेटर से जीता था, ज्यूस से हुआ था डू ऑर डाई का। और लिटरली भाई मोबाइल प्लेयर्स तुम्हें पता है कितने आ गए 1v1 में, बट स्टिल इस बंदे ने डिफीट कर दिया था। लेकिन आज चीजें थोड़ी सी अलग हैं। आज यही है कि आपका होगा 1v4 या फिर 1v5, तो क्या आप सक्षम रहेंगे उसको निकालने में? जी अभी तो थोड़ा सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है अपडेट के बाद, लेकिन तब भी ट्राई करेंगे निकालने का। ओके, मैंने भी पहले गेम देखा है 1v1 का, उससे पहले का मेरे को याद नहीं आ रहा अभी कैसा खेलते हैं, बट मेरे सामने आ चुका है यहाँ पे भाई का चैनल और देखते हैं चैनल पे आखिर वीडियो किस तरीके से। एनजी डेंजर वाईटी, और क्या आज एक बार फिर से डू ऑर डाई में फंसे? क्योंकि देखा जाए तो भाई कोई भाई का मेरे को एम नहीं पता चल पाता एट दी एंड कि भाई करना क्या चाहते हैं, बट भाई ने इस बार क्लियर सा कर दिया थोड़ा। और ये रही वो वीडियोस गाइस जब हम फुल मैप यहाँ पे खेलते थे और भाई पुरानी आदत ताजा हो जाएंगी यार, तो ये वीडियो देखते हैं। और भाई तुम देख लो उस टाइम पे इस बंदे का गेम प्ले इतना अच्छा था ना भाई, अभी भी डेंजर भी यहीं पे, तूफान भी यहीं पे, दोनों वन टैप ओनली रेड मारते हैं और यहाँ पे डेंजर का हेडशॉट। अच्छा, तूफान को है, देखते हैं और इसने कैसा कैसा खेला है, पुराने टाइम का थोड़ी याद आ जाएगी। 4 फिनिश, मेरे कमेंट्री देख के हंसना मत भाई। रेंज बाइटी वर्सेस डेंजर गाइस, फिर पहले पता नहीं मोबाइल वर्सेस पीसी। अरे अरे काफी पीएस चैंपियन, अरे क्या पुराने पुराने नाम आ रहे हैं भाई सामने, पीएस चैंपियन, चैंपियन भी नहीं है, चैंपियन भी चलिए डेंजर अभी के टाइम पे नहीं है भाई। ये तो यार अभी के टाइम में शॉक करने वाला हेड था, ये नॉर्मल नहीं था भाई ये वाला हेड। गाना भी चल चुका तो, ओह माय गॉड, 2 साल पहले। वेलकम टू एनजीआरबी भाई, एनजीआरबी के एक और नए मेंबर यहां पे बन चुके हैं। अच्छा, ये तो ये है भाई पुराना वाला जो मैंने चीजें आप लोगों को दिखा दी है, पुरानी बातें पुरानी चीजें। तो डेंजर भाई हेलो, तो वही है कि 1v4 1v5 प्रैक्टिस की है कि नहीं की है? हाँ वो तो की है मैंने, की है, क्योंकि वही है कि चलो तो पहला गेम लगाते हैं आपके लिए 1v4 और देखते हैं डू ऑर डाई में क्या होता है। चलो गाइस एंट्री यहाँ पे करा दी है और डेंजर रेडी है, एक बार डेंजर का काउंट भी मैं देख लेता हूँ। और मेरे को पता नहीं बंदा इंट्रोवर्ट है क्या है कि कहीं बात भी नहीं कर रहा है, बट चलिए बढ़ते हैं सीएस की तरफ। यहाँ पे सीएस रैंक में 100 मैचेस खेले हैं, 2 से ज्यादा का केडी और हेडशॉट रेट की बात की जाए तो भाई 81% का यहाँ पे। और अगर इधर बात करें कस्टम रूम में
तो कस्टम रूम में है 87 का हेडशॉट रेट। क्वाड्रा भी बंदे ने 41 यहां पे निकाले 155 मैचेस में, केडी 1.85। तो स्टैट्स तो यार देखो जबरदस्त है जैसे होने चाहिए। चलो तो भाई स्टार्ट करते हैं थर्ड नंबर को। यार डेंजर भाई बोल रहे हैं कि ये बंदा जो है हैकर है, किस बेसिस पे बोल रहे हैं वो पता नहीं, अब गेम देखना पड़ेगा। और गाइस मैच स्टार्ट होने से पहले ही डेंजर ने बोला था कि ये बंदा हैकर है, बट मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे भाई, वो तो स्ट्रीम पे इतना कभी खेलता भी नहीं है, उसको कैसे पता ये बंदा हैकर है। और इवन चैट में भी कुछ बंदे बोल रहे थे कि ये ज्ञान भाई के स्ट्रीम पे इसने हैक लगाया, हैक लगा के खेला है। तो अब क्या था, हमने गेम स्टार्ट कर दिया था पहले राउंड में, डेंजर ने भाई मानना पड़ेगा कि चारों प्लेयर्स को फिनिश कर दिया, हैकर को भी फिनिश कर दिया। और वहां तक मेरे को कोई भी आइडिया बिल्कुल भी नहीं लगा था कि यार ये बंदा हैकर है यहाँ पे। और गाइस सेकंड राउंड यहाँ पे स्टार्ट होती है, हम लोग वेट ही कर रहे थे कि वो बंदा कब मारेगा, बट जैसे ही राउंड स्टार्ट हुआ तो अपोनेंट में जो ध्रुव नाम का बंदा था उसने फ्लैंक किया और ग्लूवॉल के अंदर कुछ अलग ही लेवल हेडशॉट यहाँ पे मार दिया। और गाइस थर्ड राउंड स्टार्ट होता है, मिलकर ये राउंड रहता है और डेंजर फिर से अपना डेंजर ही यहाँ पे गेम प्ले दिखाता है, वन बाय वन करके तीन बंदों को फिनिश कर देता है। बट मैंने नोट नहीं किया था, अब यहाँ पे बचता है प्रो किंग और मैं उसी को स्पेक्टेट कर रहा था और बहुत ही जबरदस्त ये हेड मारता है और यहां से होती है इसकी शुरुआत। और गाइस अब ऐसा फील हो रहा था कि भले ही सामने हैकर हो, और इवन मेरे को भी नहीं लग रहा था कि सामने हैकर है क्योंकि डेंजर कुछ अलग ही लेवल यहां पे खेल रहा था। और इस राउंड में भी वन बाय वन करते करते यहां पे चारों प्लेयर को फिनिश करता है और प्रो किंग को भी लास्ट में बहुत जबरदस्त हेडशॉट यहां पे मारता है। और गाइस अब आ चुका है वो यहां पे समय जिसका आप लोग इंतजार कर रहे हो कि नॉन शो भाई तुम हैकर क्यों बोल रहे हो। तो ये जो मैंने हेडशॉट देखा था मेरे माइंड में बिल्कुल ये छप गया था कि भाई यहां पे जो प्रो किंग है वो प्लेयर से आगे निकल गया, उसके बाद में उसने हेड मारा है। और ये चीजें बहुत कम पॉसिबल हमें देखने के लिए मिलती है, तो कोई ग्लिच हो, एक्सपेक्टेड ग्लिच हो, बट ये देख के चैट में भी चलने लगा था कि भाई ये प्लेयर यहां पे हैकर है और यहीं से अब मैं इस पे नजर रखना स्टार्ट कर दिया था। और गाइस लग रहा था मानो इस बंदे ने हैक लगा लिया। और इस राउंड के अंदर सबसे पहला हेड मारा है ग्लूवल लगने के बाद में भी, वो तो यहां पे वोल्फ रहा था डेंजर के पास में इसलिए वो बच गया, लेकिन भाई हैकर से कहां तक बचेगा। और फिर से यहां पे इस बंदे को पकड़ा, हेडशॉट लगाया, वो भी यार जबरदस्त स्विच करके यहां पे हेड लगाया। और अब थोड़ा थोड़ा लग रहा था कि ये बंदा कुछ अलग ही खेल रहा है। और गाइस यहाँ पे थोड़ा सेफ एंड साइड रहने के बाद जैसे ही पिछले राउंड में उसने मारा, मैंने उसको मार दिया यहाँ पे रिपोर्ट कि ताकि पता चल जाए बंदा बैन होगा नहीं होगा। वैसे तो आजकल बहुत सारी चीजें ऐसी चल रही कि बंदे बैन नहीं हो रहे, बट अब क्या होता है कि अगले राउंड में मारता है यहाँ पे उत्कर्ष बहुत ही जबरदस्त हेडशॉट, प्रोकिंग को मौका ही यहाँ पे नहीं देता है। बट अगर उससे नेक्स्ट राउंड की हम लोग यहाँ पे बात करें तो भाई इस राउंड में प्रोकिंग एक बार फिर से जी हाँ इस बार जंप हेडशॉट यहाँ पे लगाता है। और गाइस अब क्या ये लास्ट राउंड होने वाला है, जी हाँ इस राउंड में यहाँ पे उत्कर्ष लगाता है हेडशॉट, मौका ही नहीं देता यहाँ पे प्रोकिंग को। बट अब हम लोगों को चेक तो यहाँ पे करना था प्रोकिंग को, क्योंकि चैट में इतने बंदे बोल रहे हैं, जो प्लेयर खेल रहा है वो बोल रहा है। और इवन मेरे को भी एक हेड पोचिनोक का ऐसे ही लगा कि भाई वो अनफेयर सा था, तो मैंने सोचा क्यों ना हम लोग इस बंदे को चेक कर लेते हैं, एंग्री से 1v1 कराते हैं। और जो यहाँ पे गाइस एंग्री अगेंस्ट हुआ है वो आप लोग चलो मैच देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और जो इस बंदे ने बहाने बनाए हैं तगड़े वाले, और मैं आपको पूरा प्रूफ भी दूंगा लास्ट में कि क्यों इस बंदे को हम लोग हैकर यहाँ पे बोल रहे हैं। चलो भाई प्रो बॉय आ चुका है और मैसेज तो भेज नहीं सकते हैं, तो सीधा अब हम लोग स्टार्ट करने वाले। भाई लड़ो उसके लिए, भाई के पास में कुछ भी कर सकता है बंदा, अच्छा नहीं लगता ना। और गाइस रजिस्ट्रेशन कर लेना भाई लोग, जिसने नहीं किया डिस्क्रिप्शन लिंक है, लास्ट में ही बचा है यहां पे जो हमारा फुल मैप टूर्नामेंट चल रहा है। और कैसे रजिस्ट्रेशन करना है उसका भी वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, हाउ टू रजिस्टर के बाद में एक ड्राइव का लिंक है। ओह माय गॉड भाई, लिटरली इसके पास स्किल है कुछ तो, मतलब ग्लूवॉल के आर पार मार दिए बंदे ने। ओके बढ़ते हैं भाई, आते ही पहले राउंड में यहाँ पे एंग्री को प्रसाद सा दे दिया भाई यहाँ पे जी, आते ही सीधा हेडशॉट यहाँ पे लगाया है। देखते हैं प्रो किंग एक और राउंड में, ओके ये अभी को प्रो किंग और यहाँ पे एंग्री, लेट्स सी प्रो किंग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए इस सिचुएशन बिगाड़ ना दे यहाँ पे। एंग्री फिर से यहाँ पे रश कर रहे हैं, एंग्री ब्रो जस्ट गो एंड किल, किल दैट गाय, इसके पास में अलग ही अलग पावर्स हैं यहाँ पे। ओके प्रो किंग की बात की जाए तो पहले की स्ट्रेटजी में थोड़ी समझाऊं यहाँ पे बंदे की। ओहो और अगले गेम में गाइस मेसी या फिर नोटा, नोटा भाई से पूछूंगा ये सब बढ़ के। ओहो ये हुई ना बात यहाँ पे एंग्री वाली, इसी का तो हम लोग वेट कर रहे थे यार। चलिए 1-2 यहाँ पे, ओहो आते ही भाई ये तो आते ही यहाँ पे दे दिया है, स्प्रे मारते हैं मतलब वही पिचकारी यहाँ। ओके
ओ भाई बे, ये क्या है भाई, एक बार फिर से रिपोर्ट मार के देख लेता हूँ। खेल बंदा अच्छा रहा यार, मजाक सेट किया, अब अगर उस पे आए हम लोग तो एक्यूरेसी अलग ही लेवल है प्लेयर की। ब्रोकिंग बहुत वेल, ब्रोकिंग फिर से ब्रोकिंग बहुत ही सोच समझ के, इनको पता है कि मूवमेंट तभी करनी है यहाँ पे। एक्यूरेसी बंदे की अच्छी है बट मूवमेंट स्पीड पे भाई, भाई पता नहीं क्यों ऐसा गड़बड़ सी लग रही है यार। अरे पीछे एक बॉल लगी थी, फिर से किसी का ग्लिच होगा क्या? नहीं नहीं चलो बॉल तो हट रही है। ब्रो किंग की तरफ से देखते हैं भाई। ओके प्लेयर की नहीं मिलती है यार, गड़बड़ तो। ओके चलो एक बार फिर से फेयर भी हो सकता है, फेयर हुआ तो भाई ये किस लेवल का प्लेयर है फिर। ओके मिस, पीछे प्लेयर हैं जरूर। चलिए एंग्री फिर से, क्या होने वाला है ये राउंड में? लग रहा है थोड़ा कि भाई बंदे के कनेक्शन नहीं बन रहे, ये थोड़ा सा राउंड लगा है कि बंदे ने बहुत सारे मिस किए हैं। इन ब्रोकिंग को देखते हैं, ओ बच गए ब्रोकिंग यहाँ पे, और दिखे जरूर हैं। बट अब क्या दोबारा से इधर से आने वाले हैं? एंग्री यहाँ पे रेडी है, दोनों प्लेयर रेडी थे जी हाँ। यहाँ पे आलोक का सर्कल दिख जरूर रहा था वहां पे। ये क्या है भाई, ये गोली में मार दिया। मैं भी पुराने प्लेयर्स में से भी कुछ प्लेयर्स रेडी हैं। ये क्या था, देख ही नहीं पाया भाई ये। ओके ब्रोकिंग एक बार फिर से भाई, बॉडी डैमेज आया जरूर है इस बार। ओ हेलमेट डैमेज यहाँ पे काफी ज्यादा, और फिर से भी डैमेज यहाँ पे पड़ा है। बट रिपेयर करना चाहिए यहाँ पे, बट लोग वेट कर रहे हैं। चलिए 4-6 यहाँ पे इसको। और ये लो जी हाँ, वाइप आउट यहाँ पे करता हुआ यहाँ पे एंग्री को, और बड़ा गेम लिटरली मानना पड़ेगा भाई जिस तरीके से बंदे ने खेला है। एंग्री भी यहाँ पे टच में था, बट जो इस प्लेयर ने यहाँ पे दिखाया है कि निकलते ही यहाँ पे हेड, और हेड ही हेड ज्यादा देखने के लिए मिले हमें। ब्रो किंग को मानना पड़ेगा। और चलो बात करते हैं कि भाई डीसी पे आते हैं या फिर किसी को हैंड ओवर करते हैं, तब तक वो अगर इसका मोबाइल चेक करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग नए प्लेयर्स की तरफ भी यहाँ पे बढ़ देंगे। हेलो 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 हेलो, अरे भाई तुमने तो बहुत जबरदस्त खेला है यार। अरे भाई थैंक यू। तो ब्रो क्या हम तुम्हारा मोबाइल चेक कर सकते हैं? अरे देखो मैं बोल रहा हूँ कि देखो अभी मेरे पास डिस्कॉर्ड भी डाउनलोड नहीं है ऊपर से, कल कर सकते हो क्या वैसे? अरे वैसे कुछ वो नहीं है देखो, एबनॉर्मल मतलब कुछ यूज ऐसा सब कुछ वो नहीं है। अरे एक्यूरेसी तो बहुत खतरनाक थी, एबनॉर्मली थी, एक्यूरेसी अच्छी थी। अरे क्योंकि हर आती पहली गोली में मारना बहुत मुश्किल रहता है, मिस तो होती है ना। तो मैं अभी अरे करवा दूंगा ना, वो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्कॉर्ड डाउनलोड करके आ जाओगे, क्या दिक्कत है? डिस्कॉर्ड डाउनलोड मत करो ना तुम, क्रोम पे खोल लो डिस्कॉर्ड, आ जाओ सीधा। या फिर कुछ ले रहे हो झोली में, लाडो में कुछ ले तो नहीं रहे ना? लाडो स्किल में तो कोई गड़बड़ नहीं है ना? अरे 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 नॉनस्टॉप पर एक सेकंड रुकना, अरे टाइम लग जाएगा थोड़ा, ठीक है? अरे डिस्कॉर्ड का मेरे को आईडी पासवर्ड भी याद नहीं है ना मेरे को ढंग से, गड़बड़ तो नहीं है भाई? तो पहले आप लोगों ने देख लिया होगा कितने बहाने बना रहा था, और उससे क्लियर पता चल रहा है कि बंदा कुछ ना कुछ यूज कर रहा था अनफेयर, क्योंकि एक एक गोली में ही सीधा हेड मार दे रहा था, वो भी एंग्री को, एंग्री के स्टाइल में ही। एंग्री भी क्या करे यहाँ पे। तो गाइज एंग्री को इसने हरा दिया, लेकिन कुछ दिन बाद जैसे मैं अपना ये चेक करता हूँ तो यहाँ पे आता है मेरे को ये मैसेज,
कि भाई जिस बंदे को तुमने रिपोर्ट किया था उसको हम लोगों ने कंफर्म किया, उसने चीट किया है और उसको हम लोगों ने कर दिया है बैन। जी हाँ, इस बंदे को पढ़ चुका है बैन, आईडी हो चुकी है इस बंदे की बैन और क्लियर इस बंदे ने हैक यूज किया है। बाकी चीजें आप लोगों को इसमें बताने की जरूरत नहीं है। और एक बार आईडी भी दिखा देता हूं कि कितने दिन से ऑफलाइन है। और गाइस ये है उस बंदे की आईडी जो कि अभी भी 5 दिन से ऑफलाइन है। अभी भाई बंदा वो खोल ही नहीं पाएगा। जी हाँ, ये है अकाउंट जो कि 5 दिन से बैन है। तो इतना ही मेरे को बताने था। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक और सब्सक्राइब कर लेना सारे भाई लोग।